हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय सामाजिक भेदभाव के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जातीय भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पे भेदभाव और समानता के लिए आंदोलन पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम जातीय भेदभाव से। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जाति और कर्म के आधार पे भेदभाव। बच्चों, आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे लोग जो अनेक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, या बहुत सारे लोग जो होते हैं विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि कोई जो है वो कचरा उठाने का कार्य करता है, कोई मछली पकड़ने का कार्य करता है, कोई खेती करता है, कोई सिलाई का कार्य करता है और कोई लकड़ी काटने का कार्य करता है। तो बच्चों, इन सबको देख के आपके मन में क्या भावना उठती है, आप एक बार सोच कर देखिए। जहां तक मुझे लगता है आप इनको सोच के देखते होगे, जो कचरा उठाता है उसका कचरा उठाने का काम ही है, इसलिए वो छोटा है। ये जो किसान होते हैं वो हमारे पापा ऑफिसर हैं, उनसे छोटे होते हैं क्योंकि वो खेती करते हैं। बच्चों, ये जो चीज आपके मन में आ रही है छोटा छोटा छोटा, ये होती है भेदभाव, अर्थात जाति और कर्म के आधार पे भेदभाव। यहाँ पे हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये कचरा उठाने वाले कार्य या मछली पालना या खेती करना या सिलाई करना या कोई भी कार्य जो कोई भी व्यक्ति करता है, वो अपनी जीवन यापन के लिए करता है ताकि वो पैसे कमा के अपना परिवार चला सके। पर हम क्या करते हैं, काम के आधार पे और जाति के आधार पे हम उनको बड़ा या छोटे का रैंक दे देते हैं। ये होती है जातीय भेदभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और जातीय भेदभाव को जारी रखते हैं। दोस्तों, समाज में अब हम चर्चा करेंगे दलितों की स्थिति पे। हमारे समाज में दलित की क्या स्थिति है, हम थोड़ा पहले समाज की बात करते हैं, मतलब जब आपका जन्म नहीं हुआ था। पहले क्या होता था कि दलितों को जो है वो बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। यहां तक कि जो जमींदार होते थे उनको पैसे जो है वो पत्ते में लपेट के उनके हाथ पे गिराते थे, अर्थात वो उनको छूते तक नहीं थे। मतलब छुआछूत वाली जो ये चीज थी वो हमारे पहले समाज में बहुत ज्यादा थी। हालांकि आज के दौर में ये बहुत ज्यादा इनमें सुधार हुआ है। तो समाज में दलितों की स्थिति की बात करें तो पहले तो स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पहले आपने देखा, जैसे इस चित्र में ही आप देख सकते हो कि जमींदार उनको छूते तक नहीं थे, उनसे दूर खड़े होते थे। यहां तक कि दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश भी करना मना होता था। हालांकि आज के दौर में इतना ज्यादा ये नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से भेदभाव खत्म हो गई है। उसी प्रकार से दलितों को मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल या धार्मिक कार्य से दूर रखा जाता था। इनफैक्ट यहां तक उनके बच्चों को जो है वो स्कूल में सभी बच्चों के साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं होता था, और तो और उन्हें अलग बैठाया जाता था। तो इन सभी जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, इन ये जितने भी ये दलितों की स्थिति या जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में थी, इनका सुधार किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या सूझा कि वो दलितों के उत्थान के लिए समाज कार्य किए। तो क्या हुआ कि एक बार भीमराव अंबेडकर जी जो है वो अपने घर लौट रहे थे, जब वो 9 साल के थे, वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनको अपने गांव जाना कैसे है, इसलिए वो जो है स्टेशन पे अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, जिनको आने में देरी हो रही थी। वहां जो है वहां का जो स्टेशन मास्टर है वो उनको मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उनको भीमराव जी का जाति का पता चला, उसके चेहरे पे घृणा भाव उत्पन्न हो गई और
वहां पे जो भी लोग मौजूद थे, जो भी उच्च वर्ग के मौजूद थे लोग, उनको भी भीमराव अंबेडकर जी को जाति का पता चलते ही उनसे दूरी बना लिए और कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। यही एक पॉइंट था, यही एक वजह थी जो भीमराव अंबेडकर जी को चुभ गई कि समाज में दलितों को लेके इतनी दयनीय स्थिति क्यों, या इतनी छुआछूत की भावना क्यों। और उन्होंने इस चीज के लिए बहुत संघर्ष किया ताकि हमारे दलितों की स्थिति में सुधार आए, और वास्तविक रूप से आज के दौर में दलितों की स्थिति में बहुत सुधार आई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे शारीरिक बनावट के आधार पे भेदभाव। बच्चों, शारीरिक बनावट के आधार पे हमारे समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और इनफैक्ट आज के टाइम तक होता रहा है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, एक लड़की जो व्हील चेयर पे बैठी है वो पूछती है, मैं चल नहीं सकती, मुझे लोग अजीब नजरों से देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं अजीब दिखती हूं? आप खुद सोचो बच्चों, जब भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जो शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है, उनको देख के आपको क्या लगता है? यही आप उन्हें पलट पलट के देखते हो, उनका मजाक बनाते हो, पर क्या इसमें उनकी गलती है? क्या उनको समाज में समान हक मिलने का अधिकार नहीं है? उसी प्रकार एक बच्चा जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से विकलांग है, वो सोचता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमजोर हूं। बच्चों, ऐसे लोगों को हमें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, उनका कभी भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनका भी समाज में या समाज के हर चीज पे उतना ही हक है जितना आपका। उसी प्रकार एक अंधा बड़े आराम से अपने बड़े प्यार से अपने पापा से पूछता है, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पापा कहते हैं कि अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या जिस भी रूप से कोई भी व्यक्ति अलग है, लेकिन हमें उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उसके आधार पे हमें उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम शारीरिक बनावट के आधार पे भेदभाव की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसका अध्ययन करने के बाद अगर आपके दिमाग में इन लोगों के प्रति कुछ नकारात्मक भाव है भी, या उनको अगर आप कम समझते भी हैं, तो वो हट जाएंगे। तो बच्चे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि जिन व्यक्तियों की शारीरिक बनावट हमसे भिन्न होती है, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। तो चलिए पहला उदाहरण है हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2014 की टॉपर ईरा सिंगल। बच्चों, यूपीएससी की जनरल कैटेगरी में टॉप करने वाली ये देश की पहली प्रतिभागी थी। इन्हें भी नौकरी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, पर काफी संघर्ष के बाद उन्हें कई निजी कंपनियों में उच्च पद के लिए सुशोभित किया गया या नियुक्त किया गया। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि फेमस लोग हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं हैं, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को सबसे बेस्ट साबित किया। जैसे कि भारत कुमार, अरुणिमा सिन्हा, या आप कह सकते हो कि सुधा चंद्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। आप अगर उठा के देखोगे तो जो इनमें से जो है कुछ लोग विकलांग है, पर वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ गए। तो हमें कभी भी शारीरिक बनावट के आधार पे किसी पे भेदभाव नहीं करना चाहिए या उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे समानता के लिए आंदोलन। बच्चों, आजादी के बाद अर्थात ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद जो हमारे देश के जो दलित, औरतें, जनजाति समाज और किसान थे, उन्होंने अपने बराबरी के हक के लिए जम के विरोध किया। जो उन्हें नीचा दिखलाने की कोशिश करते थे, उनके खिलाफ वो उठ खड़े हुए। यहां तक कि मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए भी दलितों ने संगठन बना के इसके खिलाफ विरोध किया।
यहाँ तक कि महिलाओं ने भी अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए। किसान और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया ताकि वो अपनी खेती अपने हिसाब से कर सके, ना कि जमींदारों के हिसाब से। तो बच्चों, लोगों के प्रति जो ये अन्याय हो रहे थे, उनकी मदद करने के लिए हमारे समाज में बहुत सारे समाज सुधारक जो है उभर कर आगे आए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, रामाबाई, ज्योतिराव फुले, मदर टेरेसा आदि। ये सभी समाज सुधारक इन लोगों के उनके अधिकार दिलाने के लिए उनकी मदद किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समानता के लिए आंदोलन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, संविधान द्वारा समानता का प्रयास, अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। भेदभाव को अपने देश से मिटाने के लिए संविधान ने भी कदम बढ़ाए। संविधान को पता था कि कहां पे अन्याय हो रहा है, अतः उन्होंने संविधान का पुनः जो है अध्ययन किया और उसका निर्माण इस प्रकार किया कि समाज से भेदभाव मिटाए जा सके और समानता फैलाए जा सके। जैसे कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हमारे संविधान में लिखा है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। संविधान ये भी कहता है कि छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया जाना चाहिए। बच्चों, संविधान कहता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है। सभी लोगों को अपनी पसंद की पेशा चुनने का पूरा अधिकार है और किसी के भी पेशे के आधार पे उसको ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। संविधान सरकारी नौकरी में सभी लोगों को समान अवसर भी प्रदान करती है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। दलित वर्ग और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए उनको कुछ आरक्षण दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे समानता के लिए आंदोलन पर। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो दोस्तों, इस समय जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, वह है महिलाएं, दूसरा है अनुसूचित जाति, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, छठा दिव्यांग। बच्चों, सरकार इन सभी वर्गों को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए भरपूर कोशिश में जुड़ी है, पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सभी लोगों को समान दृष्टि से देखें और किसी का भी उपहास ना उड़ाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे किस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने जातीय भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव और समानता के लिए आंदोलन पे चर्चा की। इसका रेफरेंस था सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।